ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमें पता है, हमने स्टमक तक के तो पढ़ लिया था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन? हिंदी में इसे छोटी आंत भी कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ कंटिन्यू विद द स्टमक एट पायलोरिक स्पिंचर। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि ये जो हमारा स्टमक था, इसमें यहाँ पर पायलोरिक स्पिंचर था। पायलोरिक स्पिंचर से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शुरू होती है। ठीक है, देन इट इज़ 5 मीटर लॉन्ग। ठीक, इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये 5 मीटर लॉन्ग होती है, और अगर फिट में देखें तो ये 20 फिट लॉन्ग होती है। ठीक है, एंड लीड इन टू द इलियोसिकल वॉल्व। और कहाँ तक कर जाती है? इलियोसिकल वॉल्व तक के। ठीक है, इलियोसिकल वॉल्व। अब आप सोचेंगे इलियोसिकल वॉल्व क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इलियोसिकल वॉल्व ये है, ये जो हमारी छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ पर आके इसका एंड हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। तो यहाँ पर जो जो एंड हुआ है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, एक वॉल्व खुलता है। किस में आके? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वॉल्व को कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है, ओके। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये भी एब्डोमिनल कैविटी में ही पाई जाती है, और ये सराउंडेड बाय अ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको चारों तरफ से, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, चारों तरफ से इसको घेरे हुए होती है। ठीक है, देन इसके बाद, इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मस्ट न्यूट्रिएंट टेक प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन होता है। ठीक है, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इट्स कम्प्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। एटलीस्ट 90% फूड का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, देन अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्ट्स कितने होते हैं? तो देयर इज मेनली 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज ड्यूडेनम, नंबर सेकंड जेजुनम, नंबर थर्ड इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, इसको DJI से हम याद रख सकते हैं। देन इसके बाद अब हम इनका थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। नंबर फर्स्ट है हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्यूडेनम की लंबाई है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये सबसे फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, कर्व अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियास। ठीक है, जो कि क्या होता है, पैनक्रियास को घेरे हुए होती है। ये देखो, ठीक है, ये जो हमारा ड्यूडेनम है, ये हमारा पैनक्रियाज है, इसको ये घेरे हुए है। ठीक है, एक कर्व है। ठीक है, इसी को कह रहे हैं कर्व अराउंड द पैनक्रियास। देन व्हाट इज जेजुनम? जेजुनम इज द मिडिल सेक्शन अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, बीच वाला जो हिस्सा है वो जेजुनम कहलाएगा, जो कि 2 मीटर जिसकी लंबाई है। देन नंबर लास्ट इलियम। इलियम क्या है? और टर्मिनल सेक्शन, इसको हम टर्मिनल सेक्शन भी कहते हैं। ये 3 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, हमें पता है कि इसकी 5 मीटर होती है ये, तो 2 मीटर इसका जेजुनम हो गया और 3 मीटर इसका इलियम हो गया। एंड एट इलियोसिकल वॉल्व, और कहाँ जाकर ख़त्म होगा? इलियोसिकल वॉल्व, जो मैंने भी आपको बताया था।